केजरीवाल का जेल जाना आम आदमी पार्टी के लिए तबाही। भाजपा रच चुकी है बड़ी साजिश। जाने कैसे तबाह हो सकती है आप पार्टी। एक तरफ जहां केजरीवाल के मामले से ही जुड़े अभियुक्त हुआ सरकारी गवाह बाहर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री को ऐसे वक्त में जेल की हवा खानी पड़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। हालांकि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, वह जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। केजरीवाल को बेल मिलने की संभावना भी कम हो गई है। ईडी उन पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगा रही है। केजरीवाल पर शिकंजा और कड़ा होता जा रहा है। कहा जा रहा है केजरीवाल के और भी सहयोगी जेल जा सकते हैं। पहले ही जैन मनीष सिसोदिया जेल में है। कल ही संजय सिंह के लंबे वक्त के बाद रिहाई हुई है। ऐसे में अब केजरीवाल के पास लोकसभा चुनाव जीतना, सही ढंग से सरकार चलाना और साथ ही पार्टी को बिखरने से बचाना जैसी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास क्या क्या विकल्प बचते हैं, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बीजेपी जेल से नहीं चलाने देगी सरकार। विकल्प नंबर एक, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहे और उन्हें जेल के अंदर एक विशेष व्यवस्था के तहत सरकार चलाने की अनुमति दे दी जाए। लेकिन इस विकल्प की संभावना काफी कम है, क्योंकि उपराज्यपाल ने जेल से सरकार नहीं चलाने का आश्वासन दिल्ली वालों को दिया है। जेल के अंदर मीटिंग और फाइल देखने जैसी व्यवस्था जेल मैनुअल में नहीं है, और अगर उपराज्यपाल चाहें तभी इसकी अनुमति मिल सकती है। मुख्यमंत्री बने रहे तो क्या होगा। विकल्प नंबर दो, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहे और अपनी जगह कैबिनेट के किसी एक मंत्री को अपनी अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री कार्यालय के कामकाज को देखने का जिम्मा दे दें। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब मुख्यमंत्री कहीं बाहर होते हैं या किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी जैसी हालात होती है। केजरीवाल के जेल जाने की स्थिति में ऐसी अनुमति उपराज्यपाल या राष्ट्रपति देंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है। केजरीवाल इस्तीफा दे दें और अपनी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दें। हालांकि आम आदमी पार्टी इस संभावना से फिलहाल इंकार कर रही है, लेकिन उपराज्यपाल सचिवालय के सूत्रों के माने सबसे अच्छा विकल्प यही बचता है, जिससे संवैधानिक संकट बचा जा सकता है, साथ ही साथ सुचारू तौर पर सरकार भी चलाई जा सकती है। बीजेपी कर सकती है यह खेल। विकल्प नंबर तीन, अगर केजरीवाल जेल से सरकार चलाने की जिद पड़े रहते हैं तो संवैधानिक संकट का हवाला देकर सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए उपराज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। दिल्ली की व्यवस्था संविधान की धारा 239AA और 239AB के आधार पर चलती है, जिसमें उपराज्यपाल को ऐसी अनुशंसा का पूरा अधिकार है। लेकिन ऐसा करने से बहुमत वाली सरकार को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बर्खास्त करना एक कानूनी लड़ाई की शक्ल अख्तियार कर सकता है और उसका सियासी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए इसकी संभावना फिलहाल नहीं मानी जा रही है। केजरीवाल की 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद जैसी सरकार चल रही है, वैसे ही अगले कुछ महीनों तक जब तक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है तब तक सरकार चलने दी जाए। गौरतलब है मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं, ऐसे विभाग से जुड़े हुए कामकाज प्रभावित होने की संभावना कम है। वैसे भी आचार संहिता शुरू होने के बाद नीति से जुड़े हुए फैसले लेने के अधिकार सरकार के पास कम ही होते हैं। साथ ही इस वित्तीय साल का बजट पास हो गया है, तो किसी तरीके की वित्तीय चुनौती भी सामने नहीं है।